हे गाइस, वेलकम टू अवर ऑन टेक्नोलॉजी चैनल। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कि एंजल वन के अंदर अगर आप इंडिकेटर लगाते हो उसको कैसे हटा सकते हो। काफी इजी एंड सिंपल है वीडियो, एंड तक पूरा देखना, मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग से जान लेते हो। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करोगे, अब बाई चांस कोई भी एक चार्ट ओपन करते हैं अपन। चार्ट कहाँ पे आता है? तो चार्ट यहाँ पे नीचे की साइड आता है, जो भी शेयर पे आप टैप करते हो, ये रहा चार्ट। इस पे आप टैप करोगे, अब यहाँ पे इंडिकेटर लगाना तो काफी आसान है। इंडिकेटर लगाने के लिए FX वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, इसको चूज करोगे। और सपोज के ये वाला इंडिकेटर मैंने लगा दिया और यहाँ पे क्रॉस के ऑप्शन भी दबा दिया, तो ये इंडिकेटर लग चुका है। अब आपको इसको हटाना है, तो कैसे हटाओगे? आपको सिंपली इस इंडिकेटर पे टैप करना है। देखिए, ये टैप किया मैंने इस लाइन पे, फिर यहाँ पे थ्री लाइंस आपको देखने को मिलेगी जो ये रही। फिर इस पे टैप करोगे तो यहाँ पे देखिए गाइस, रिमूव वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली आप रिमूव कर देना। अब आपने क्या किया गाइस कि काफी सारे इंडिकेटर लगा दिए, जैसे कि देखिए मैं लगा के बताता हूँ आपको, बहुत सारे इंडिकेटर लग गए। अब इन सबको एक साथ मुझे हटाना है, तो वो कैसे हटेगा? तो यहाँ पे देखिए नीचे की साइड डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो ये रहा। आपको सिंपली इस पर टैप करना है, रिमूव थ्री इंडिकेटर्स। आप जैसे इस पर टैप करोगे तो ये सारे एक साथ हट जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।